हेलो दोस्तों, आज तक आपने मल्टीपल एआई टूल्स का यूज करके उनके कॉम्बिनेशन से एक एआई स्टोरी वीडियो क्रिएट की थी, लेकिन आज से और अभी से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक सिंगल प्रॉम्प्ट में कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर सकते हो। हालांकि वीडियो शॉर्ट होगी, लेकिन इट्स अ बिगिनिंग। पहले आप देख लीजिए कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप किस तरह का वीडियो क्रिएट कर पाओगे। I always knew the earth was in danger, but no one believed me. With time running out, I had to prove my theory. As chaos spread, we led a small group to a hidden spacecraft racing against the clock. And then, as the Earth's core came to a halt, we watched from the safety of the spacecraft as our home was destroyed. But we had hope, embarking on a journey to a new world, carrying the future of humanity with us. दोस्तों, ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं LTX स्टूडियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल उनके लिए है जो इनकी वेट लिस्ट को ज्वाइन करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे आना होगा, यानी कि LTX स्टूडियो पे। देन आपको क्लिक करना होगा ज्वाइन द वेट लिस्ट पे, और आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, और डिटेल्स आप फिल करने के बाद क्लिक कर दीजिए एग्री एंड सबमिट पे। जब आप इतना कर दोगे तो आपके पास ईमेल में कुछ दिनों में या फिर 15 से 20 दिनों में हो सकता है कि आपको एक्सेस मिल जाए इसका, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले इनकी वेट लिस्ट को ज्वाइन किया था, तब जाके मुझे इनका एक्सेस मिला था। एंड देन आप क्लिक कर दीजिए स्टार्ट क्रिएटिंग पे, और फिर आप LTX स्टूडियो को यूज कर सकते हो। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको LTX स्टूडियो का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के हम एक स्टोरी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास अगर स्टोरी नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ स्टोरी पे, और उसके पहले हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमारी स्टोरी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी स्टोरी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ जो मैंने सोचा है। एंड हमारा प्रॉम्प्ट है अ शॉर्ट फिल्म अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड साइंटिस्ट हु नो द अर्थ इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बट नोबडी बिलीव्स हिम एंड इवेंचुअली ही प्रूव्ड हिज क्लेम ही हेल्प्ड ह्यूमैनिटी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एंड रीच टू अदर प्लैनेट इन द गैलेक्सी द अर्थ वॉज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बिकॉज द कोर ऑफ द अर्थ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन टू रोटेट इट वॉज इवेंचुअली गोइंग टू बी स्टॉप्ड। तो ऐसी कुछ हमारी स्टोरी होने वाली है। देन प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, और ये कुछ टाइम लेगा। जो भी इसको कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं स्टोरी में, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा उनकी फोटोज वगैरह हर चीज। वीडियो स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है फैंटेसी आर्ट। तो जैसे ही मैंने फैंटेसी आर्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप इमेजेस देखोगे, ये इनका भी स्टाइल चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, और स्टाइल में हम कर देंगे साइबर पंक। जैसे ही हमने साइबर पंक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो जो है फिर से चेंज हो रही है। अगेन आप चेंज कर सकते हो स्टाइल, मैंने कर दिया एनिमे, क्योंकि एनिमे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि एनिमे स्टोरी कैसे क्रिएट करें। तो एनिमे जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा स्टोरी आपकी एनिमे में हो जाएगी। देन हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, और ये आपकी पूरी स्टोरी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है स्टोरी बोर्ड के फॉर्म में। देन आपकी सभी इमेजेस ये क्रिएट कर देगा समथिंग लाइक दिस। इसने हमारी सभी इमेजेस को क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये केवल इमेजेस जनरेट हुई हैं, इसमें वीडियो नहीं है। तो वीडियो जनरेट करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइटनिंग चेंज कर सकते हो या फिर सीन चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा। देन हम क्लिक कर देंगे प्रीव्यू पे, और यहाँ पे लिखा है कि 16 स्टैटिक शॉट्स हैं, यानी कि 16 इमेजेस इसने क्रिएट की हैं। इनको हम जनरेट ऑल पे क्लिक करके वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे हमने जनरेट पे क्लिक किया, उसके बाद हमें क्लिक करना है जनरेट 16 वीडियोस पे, क्योंकि 16 इमेजेस थी। तो अगेन आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, और ये जो हमारी स्टैटिक इमेजेस थी ये इनको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो दोस्तों, विद इन फ्यू मिनट्स इसने हमारी स्टैटिक इमेजेस को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। फाइनली दोस्तों, हम क्लिक कर देते हैं एक्सपोर्ट पे, एंड देन यहाँ डाउनलोड के आइकन पे। इतना करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये रही हमारी वीडियो। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ये टूल आपको कैसा लगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत ही छोटी वीडियो ये क्रिएट कर रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इट्स अ बिगिनिंग, और धीरे धीरे जब अपडेट्स होंगे तो ये और भी लॉन्ग वीडियोस क्रिएट कर पाएगा। तो आप भी इनकी वेट लिस्ट को ज्वाइन करिए, हो सकता है आपको एक्सेस मिल जाए, तो आप इस टूल को ट्राई कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।